मैं उससे दिसंबर में मिला था, एक बुरे साल के पूरी तरह खत्म होने से ठीक पहले। लिफ्ट में एक दूसरे को अकेला पाकर हमने बेझिझक अपने मास्क उतार दिए थे। बिना सैनिटाइजर की परत वाला हाथ जैसे ही मैंने उसकी तरफ बढ़ाया तो सीधा आकर लिपट गई वो मुझसे। उसके शरीर की गर्मी से समझ आ रहा था कि साल भर से उसने किसी अजनबी को छुआ तक नहीं है। कलर की हुई उसकी लाल जुल्फे मेरी नाक और आंखों के बीच में फंस कर वक्त को धुंधला कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी नई शुरुआत से पहले समय रहता है। उसकी सांसों को गिनने में मैं इस कदर उलझा कि समझ ही नहीं आया कि लिफ्ट दोबारा कब शुरू हो गई। दरवाजा खुलने पर वॉचमैन की आवाज से हम दोनों इस दुनिया में वापस आ गए। वो मास्क पहनकर बिना कुछ कहे वहां से चली गई और मैंने वहीं खड़े खड़े दिसंबर को नए साल का पहला महीना घोषित कर दिया। ये रात बनने की कविता है। धूप इतनी गर्म रहती है, आसमान सारा पक जाता है, बर्तन रखकर रोज ऐसे वो बाल भिगोने चल जाती है, देर लगती है जुल्फों की सुलझने में, इतना कि आसमान लाल हो जाता है, मुंडेर से नीचे आते आते काजल सा काला पड़ जाता है, फिर दांतों तले जीभ दबाए जब वो ढक्कन हटाती है उसकी जुल्फों की महक से चांद बाहर आ जाता है, पलटती है जब वो करछी लेने जुल्फों की छींटों से उसके, मेरे आसमान पर तारे बन जाते हैं, रात सारी फिर गुजर जाती है बर्तन की कालिक साफ करने में। सो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऑब्वियसली यार जिसके लिए ये वीडियो आप सुन रहे हो उसे ये वीडियो शेयर करिए और भेजिए उसे। थैंक यू।